आजमगढ़ खरगापुर क्षेत्र की झीलों की नगरी गांव चौबारा में आजकल चक्का गोई माता मंदिर प्रांगण के समीप स्थित स्वर्गीय नन्हेलाल विश्वकर्मा खेल स्टेडियम में 10 दिवसीय राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन स्वर्गीय नन्हेलाल विश्वकर्मा की स्मृति में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आयोजित हो रहा है, जहां हजारों खेल प्रेमी दर्शक इस टूर्नामेंट का रोजाना आनंद ले रहे हैं। रविवार के दिन पहली पारी में खरगापुर और पलेरा के बीच मैच खेला गया, जहां खरगापुर की टीम ने जीत हासिल की। वहीं दूसरी पारी में कुंडेश्वर एवं तेजपुरा यूपी के बीच मैच खेला गया, जिसमें कुंडेश्वर की टीम ने बाजी मारी। बड़ा ही रोमांचक खेल रहा, जहां हजारों दर्शक इस खेल का भरपूर आनंद लेते रहे। इस मौके पर खेल के संरक्षक एवं आयोजक हरिशंकर विश्वकर्मा सहित अनेक मंचासीन अतिथि इस मौके पर खेल का आनंद ले रहे थे। क्रिकेट क्लब चौबारा के रमेश विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम आगामी 5 जनवरी 2020 तक प्रतिदिन आयोजित होगा, जहां प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई क्रिकेट टीमें इसमें भाग ले रही हैं और अपने अपने खेल का जौहर दिखा रही हैं। कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी वरिष्ठ पत्रकार गोविंद दास विश्वकर्मा ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष स्वर्गीय नन्हेलाल विश्वकर्मा की स्मृति में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी 7वां खेल कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसका समापन आगामी 5 जनवरी 2020 को होगा और विजेता एवं उपविजेता टीम को शील्ड एवं नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। टीकमगढ़ से सुरेश प्रभाकर, संवाददाता एमपी न्यूज़कास्ट। और इस आयोजन को तीसरा दिवस है, आज हमारी दो टीमें खेल चुकी हैं और क्षेत्र से भारी संख्या में पूरे टीकमगढ़ जिले से दर्शक आते हैं। रोमांचक टीमों का मुकाबला होता है और दर्शक काफ़ी उत्साहित रहते हैं देखने को। क्षेत्र में है खेल जो है हमारी खेल प्रतिभाओं को बच्चों को उभारने के लिए यह खेल खेला जाता है और हमारी समिति क्रिकेट क्लब चौबारा समिति इस आयोजन को करती है। और प्रति वर्ष हमारी यही विचारधारा है, यही सोच है कि हम हमेशा इस खेल को खिलाते रहें और हमारे क्षेत्र के बच्चों को खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए यह हमारी समिति का प्रयास रहेगा। क्या उद्देश्य है इस खेल को लेकर आप इतने वर्षों से कराते आ रहे हैं? हमारा क्या? यही उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों अंचल से बच्चे जो आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंचलों से खेलते हैं, उन्हीं से हम ये आशा और विश्वास रखते हैं कि वो खेल करके राज्य स्तरीय होकर के इस मिट्टी से आगे बढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना भाग लेंगे और अपना रिकॉर्ड कीर्तिमान बनाएंगे, ऐसी हमारी आशा रहती है। इसी आशा के साथ हम खेल को खिलाते हैं जी। अभी समापन कब होगा इसका? समापन हमारा यह आयोजन 27 दिसंबर से प्रतिवर्ष प्रारंभ होता है और 5 जनवरी को समापन होगा। समापन प्रारंभ में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में टीकमगढ़ के एसी सोनी जी और अन्य हमारे पदाधिकारी रहे इसमें, और थाना खरगापुर के प्रभारी सुनील शर्मा जी और अन्य हमारे सामाजिक बंधु भी टीडी विश्वकर्मा जी, गोविंद विश्वकर्मा जी, सत्यप्रभात और क्षेत्र के समस्त एनडी विश्वकर्मा किला खरगापुर से क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक सरपंच हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। और समापन में हमारी कलेक्टर महोदया टीकमगढ़ और विजेंद्र सिंह राठौर जी, मंत्री वाणिज्य कर एवं खेल मंत्री हमारे जीतू पटवारी जी समापन में 5 जनवरी को इसमें रहेंगे।